आज के डिसीजन, कल होम मिनिस्ट्री के साथ हमारे वेटरन लीडर्स मिले हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात हुए हैं। बातचीत अच्छा होने के बाद अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे वेटरन लीडर्स और सेंटर के मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हमेशा ही बीजेपी लद्दाख के हित में अच्छा ही करते हैं, तो अभी भी अच्छा हो रहे हैं, तो हम इस स्टेप का बहुत वेलकम करते हैं। और बाकी कल का आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये होगा, कल हमारे सेंटर से नेशनल लीडर्स और मंत्री साहब भी इधर आएंगे, तो कल बहुत ब्रीफ में किस तरीके का क्या होगा वो सारा कुछ हमारे नेता बताएंगे। सर, बीजेपी के यहाँ के जो लीडर्स हैं, आप लोग हैं, अभी तक सिक्स शेड्यूल तो खुल के नहीं बोला, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसला आया है कि सिक्स शेड्यूल पे भी हम बात करेंगे, तो आप कैसे अभी तक आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने नहीं बोला है। आप लोगों का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा डिबेट हुआ था उसमें मैंने बोला था सिक्स शेड्यूल तो क्या है, उससे बड़ा ही देंगे। तो सिक्स शेड्यूल पे नहीं बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा, उसे ऑथेंटिक जो लद्दाख के लिए सूट होगा वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इस पे निर्णय पे मैं अच्छा मेरे को ये लगेगा, कल हमारे नेताएँ आए, मिनिस्टर आए, तो वो पूरी तरह आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सर, ये जो डिसीजन अभी जो मिनिस्टर ने लिया है, तो उस डिसीजन में आने वाले काउंसिल इलेक्शन के लिए बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट रहेगा? अब तो पूरा बेनिफिट होगा, जैसे अभी मैंने सुना बीजेपी को मांग करने के लिए कोई ऐसा कुछ सॉलिड चीज ढूंढना होगा ओपोजिशन को, जो भी बोलेगा बीजेपी दे देंगे। यूटी मांगा, यूटी दिया, डिवीजन मांगा, डिवीजन दिया, अभी सेफ गार्ड जो सिक्स शेड्यूल के लाइन के हिसाब से बीजेपी का मंशा ऐसा कभी नहीं होते। बीजेपी लद्दाख के लिए बेस्ट जो सुइटेबल चीज चाहिए, हमारा डिमांड सॉलिड होना चाहिए, सारा कुछ बना देंगे। कल को फिर सिक्स शेड्यूल लद्दाख को मिल गया, तो ये बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी कभी ओपन रहा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या आपके एमपी साहब हो या जो भी हो, सो सीधा सिक्स शेड्यूल कभी नहीं बोला था उनको, तो कल अगर मिनिस्ट्री सिक्स शेड्यूल दे तो ये एक, ये देखिए आप लोग को जो भी देना है बीजेपी ने, अच्छा ही बीजेपी ने देना है, तो बीजेपी का ड्रॉबैक कहाँ से आएगा? बाकी उनसे पूछो, ड्रॉबैक तो कई लोगों को, ये सिक्स शेड्यूल आप लोगों का इतना मांग नहीं रहा जितना अपोजिशन का मांग रहा है, तो अगर वो अगर फुलफिल होंगे तो फिर अपोजिशन वाले मतलब बोलेंगे हमारा ही मांग था रूलिंग का, तो आज तक अभी तक, क्योंकि आज अभी तक फेवर में नहीं थे। हम फेवर में नहीं हो तो कौन देगा? अब देखिए अभी आप लोगों ने सुना होगा, अब इलेक्शन ओवर होने के बाद 15 दिन के बाद उस पे पूरे ले लद्दाख कारगिल सारे लीडर्स बैठकर लद्दाख के लिए क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए वो तय होना है ना, तो वो जो चाहिए वो भी जब देंगे। सारे डिटेल्स का बीजेपी ने ही तो वेटरन लीडर्स को होम मिनिस्टर पे बुलाया है, अभी जो आपने देखा है ना, जो ऐसा नहीं होते बीजेपी में, ऐसा नहीं होते इलेक्शन के लिए करेगा। आप लोगों ने पिछले कई सालों से सुना होगा यूटी कोई नहीं दे पाएगा, बीजेपी को यूटी मांग लो यूटी नहीं देगा, दिया ना, अब वही छोटे मोटे चीज तो सब देंगे। तो सर, अभी हाल ही में जो एपेक्स का जो कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया सर, हालांकि आप लोगों को वहाँ पे बुलाया भी था। देखिए सिक्स शेड्यूल के नाम पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संतान साहब ने उस रेजोल्यूशन पे साइन किया कि नहीं जी। तो ये सारा बीजेपी तो हमेशा लद्दाख के साथ रहते हैं ना, बाकी ये इसको बाकी तो जो ज्वाइन क्यों नहीं किया सर आप लोगों ने? किसने ज्वाइन नहीं किया सर? जो साइन करने के बाद तो एपेक्स बॉडी का दो तीन मीटिंग हुआ, उसमें मतलब हमने एपेक्स बॉडी से कंप्लेन पूछा था, तो बोलते हैं आप बीजेपी मीटिंग में आना बंद किया, काफी फोन किया। ऐसा हमारे तरफ से बंद कुछ नहीं है, हमने हर हमेशा लद्दाख के हित के लिए जो भी मीटिंग हो सब कुछ ज्वाइन किए हैं, है ना। हाल ही में जो हुआ था उसमें जो अभी तो आप देखिए ना, हमारा नेशनल के लीडर्स के साथ वेटरन लीडर्स मिलकर डिसीजन दे रहा है बीजेपी, लेकिन नहीं तो ज्वाइन हो रहा है ना, वो तो एक प्रेशर
तो कल आप लोगों को पूरी तरह आपको बताएंगे। हमारा नेशनल लीडर्स और वेटरन लीडर्स भी आ रहे हैं पूरी तरह। जो मीटिंग में हुआ, हम तो होम मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिया उनको बुला के डिस्कशन होकर ये एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। जुला साहब, सर जी, जो आज आपको न्यूज़ के थ्रू मिला होगा, वहाँ जो अपेक्स बॉडी का वेटरन लीडर्स गया, उनकी डिसीजन, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वेटरन लीडर कब्जे खम्पो रिम्पोचे के क़्यादत में कातुप्तान कासिंग जो दिल्ली होम मिनिस्टर ने बातचीत के लिए बुलाया, जब हमने पोल बायकॉट की, लद्दाख के लोगों ने यह फैसला किया कि जब तक हमें सिख शेड्यूल नहीं मिलेगा हम ये जो हिल काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसको हम बायकॉट करेंगे। तो इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉम्प्टली इसको रिएक्ट करते हुए हमारे जो वेटरन लीडर को होम मिनिस्टर ने दिल्ली में बुलाया और कल उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिख शेड्यूल प्लस उसके लिए एग्री हैं, उसके लिए वो लद्दाख को देने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है और हम सब बहुत खुश है। अब सब जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी जब से हमने एस्टेब्लिश किया शुरू से हमारा एजेंडा नंबर वन जो है सिख शेड्यूल रहा है। लद्दाख के लोगों को जब यूटी मिला उसके बाद हमें जो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, जो लैंड और जॉब सिक्योरिटी और बाकी जो हमारे कल्चरल और बाकी चीज़ों का सिक्योरिटी नहीं था, वो हमारे लिए बड़े सबसे बड़े परेशान वाली बात थी, लद्दाख के तमाम लोगों के लिए परेशान वाली बात थी। आज इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिल गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इन्वाइट की और ये फैसला लिया है कि सिख शेड्यूल प्लस हम दे देंगे। तो इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कब्जे खनपो रिम्पोचे का थुप्तन और लखरू का सिंह, उन तीन को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात के लिए भी बड़ा अफसोस है कि हमारे जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने सिख शेड्यूल के लिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने गुमराह करने वाली बातें करते रहे। तो उसके बाद जो है BJP का लीडर जो अशोक कोल है, उन्होंने जब हमने ये जो बायकॉट की तो उन्होंने ये कहा कि लद्दाख ये सब लद्दाख के लोगों का जो ये है बकवास है और सेंसलेस है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज्जत का हमारी जो ज़मीर है उसको हिलाने वाली बात थी। लद्दाख के लोगों ने उसको भी बड़ा कंडेम किया और उनके लीडरों को ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता है, तो उनकी जो है सोच का ये इशार करता है कि वो क्या उनको क्या सोच है। सर, ये सिख शेड्यूल देने की घोषणा तो नहीं किया, उस पर डिस्कस करेंगे बोला, तो आपको नहीं लगता कि ये एक इलेक्शन को हमने बॉयकॉट किया, ये इलेक्शन रूलिंग गवर्नमेंट चाहता है इस इलेक्शन को हो, और इस वजह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि सिख शेड्यूल को या हम एक सेफगार्ड देंगे करके, मगर अभी तक हमें एक कॉन्क्रीट वो नहीं मिला कि नहीं। अब देखो ये कोई चीज जब गवर्नमेंट का ये देना होता है तो इसको बातचीत से होता है, ऐसे एकदम वो घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कंसीडर करेंगे सिख शेड्यूल प्लस, तो यही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ने ये बात करके वादा करना जो है ये कोई ऐसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं बोला, ये एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट जो है ये इसके बहुत मीनिंगफुल होता है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलते तो हम ये समझ लेते कि ये हमें गुमराह मतलब ये टरकाने वाली बात है। सर, हमने सुनने में आप एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स भी रह चुका है, तो जाने से पहले जो आपके वेटरन लीडर्स यहाँ से दिल्ली जाने से पहले सिख शेड्यूल या इलेक्शन को पोस्टपोन करना दो ही बात पे हम मानेंगे बोला, तो अभी तक तो कोई पुख्ता कोई एश्योरेंस तो नहीं दिया, सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखो ये जो है ना, जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है तो ये एक पुख्ता जो है ना एक एग्रीमेंट है। ये कोई अगर हम ये मैं आपको अभी जो बोला, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलता कि हम आपको ये कंसीडर करेंगे या सोचेंगे या सिख शेड्यूल दे देंगे, वो जो है ना वो टरकाने वाली बात होती है। ये जो बात उन्होंने जब एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो एपेक्स बॉडी में, ये एक
ये एक पुख्ता वाली बात है। ये भाई ये एक बात हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इलेक्शन हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते जब हिल काउंसिल पावर में नहीं हो, एम्पावर्ड नहीं हो, तो अभी भी तो हिल काउंसिल एम्पावर्ड नहीं है फिर भी हम इलेक्शन फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये कितना तक रीजनेबल रहेगा? नहीं नहीं, जब आपको देखो सिक्स शेड्यूल आएगा तो तभी हमारा हिल काउंसिल एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि अभी सिक्स शेड्यूल में देखिए अभी उनको उन्होंने एग्रीमेंट की ना, ये दे देंगे वो हम सोचेंगे, तो ये वाली बात जो है ना हमारे लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो चीज़ है ही नहीं उठा के दे दीजिए आपको ये सिक्स शेड्यूल है, तो इसमें जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होता है उसको कंसिडर करके ही फैसला होगा। सर तो फिर आप पार्टी भी इलेक्शन लड़ेंगे, अभी आज एक दो दिन शायद सुनने में आ रहा है कि नॉमिनेशन का डेट दो तीन दिन एक्सटेंड करेंगे, तो आप 26 के 26 सीट पे आपका कैंडिडेट फाइल होगा? हाँ, हमारा 26 के 26 पे हम कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे, हम उठाएंगे। तो अभी तक सो आपका अगर आप 26 के कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन फाइट करेंगे तो आपका मेन मैनिफेस्टो में प्राइम आपका मोटिव क्या होगा और इलेक्शन एजेंडा क्या होगा आपका? देखो सबसे बड़ी बात जो है हमारा जो नंबर वन एजेंडा होगा एजुकेशन, जब तक एजुकेशन आज के दिन में एक खाली एजुकेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता है, आज के दिन में क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत मीनिंगफुल लगता है, कम्पिटिटिव एज है तो उसमें हम क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा नंबर वन है एजेंडा, और दूसरा डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट में भी क्वालिटी डेवलपमेंट, यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं गवर्नमेंट, हमारे कौंसिल या गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं उसमें एक एक प्रोजेक्ट को 10-10, 15-15 साल खींचते हैं। अभी हमारा लेह में जो है आपका लेह टाउन में जो है हमारा जो सीवरेज सिस्टम है जो है 12 साल से चल रहा है, अभी इसके कंप्लीट होने का बनने का कोई किरण नज़र नहीं आता है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, और जो क्वालिटी वर्क जो यहाँ पर अभी हो चुका है लेह में सीवरेज सिस्टम का, अब वो देख लीजिए यहाँ पूरे रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं, लेह में सड़क के बीच में खड्डे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी जो सीवरेज सिस्टम में द क्वालिटी वर्क जो है ना इतना पुअर है, अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद देखते हैं, आप हर रोज़ सड़क पे चलते हैं कितने खड्डे हैं जी। और उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर जो है करप्शन फ्री करने का है, करप्शन फ्री करने का आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, दिल्ली में उन्होंने जो 40 सर्विसेज है, लाइक जिस तरह से हमारा एक राशन कार्ड लेना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है, वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विदिन 7 डेज वहाँ पर होम डिलीवरी करते हैं जो चीज़ भी उसका गवर्नमेंट कागजात उसको ज़रूरत होगा, तो हम यहाँ पर करप्शन को हटाएंगे, बाकी सर्विसेज जो है आपका हमारे यहाँ बिजली है पानी है उसको क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटे मोटे तौर पर ये 3-4 चीज़ें मैं आपको बताया आपका हमारे आम आदमी पार्टी का। और जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर काम किया है उसको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसको सराहा जाता है, तो दिल्ली मॉडल हमने यहाँ पर रिप्लिकेट करना है, तो वो मॉडल जब हम रिप्लिकेट करेंगे तो लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनको बहुत सारी सहूलियत ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सर फिर कहने का मतलब ये रहा कि अभी तक जितने भी हिल काउंसिल रहे थे वो थोड़ा फेलियर रहा था इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने में? देखिए ये पब्लिक से बात कीजिए, अभी जब हम यहाँ ही आम आदमी पार्टी जब हमने लद्दाख में एस्टेब्लिश किया, ले के लोगों में एक बहुत बड़ा सा ये था कि हम कांग्रेस के साथ जाएं, उन्होंने करप्शन की, बहुत करप्शन की, काम नहीं किया, बीजेपी आया, बीजेपी 5 साल से देखो कोई डिलीवरी नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर यहाँ तक कि देखो हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में जाके धरना देना पड़ता है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? हमारे जो यहाँ अभी वहाँ से जो लाए दिल्ली चंडीगढ़ जम्मू से जो स्टूडेंट वहाँ से जो जब ये पेंडिंग में इसके कोरोना वायरस के बाद जो वहाँ से लाए, तो उनको ये वादा करके लाए कि आप 6-6 हज़ार जमा करो, ले पहुँचने के बाद आपको 6-6 हज़ार वापस देंगे, अभी वो आके 3-4 महीने हो गया उनका कोई ना उसको पूछता है ना कुछ क्या किया, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर कोई चलता नहीं है, लोगों का वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं होता है,
तो लोग जो है हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत झुकाव है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो दिल्ली में वेटरन लीडर्स का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद आप क्या बोलेंगे कांग्रेस पार्टी? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ले की तरफ से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में जो कल बातचीत हुआ, जिसके अंदर एमओएस होम श्री कृष्ण रेड्डी जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, अजय बल्ला जी होम सेक्रेटरी मौजूद थे, अरविंद कुमार जी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो मौजूद थे, और उसके साथ पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर सिक्स शेड्यूल फॉर यूटी लद्दाख की हमारे तीन रिप्रेजेंटेटिव, जिसका अध्यक्ष हमारे ठीक से खनपो रिम्पोजी जी की अध्यक्षता में भूतपूर्व संसद सुप्तांग सांग चवांग जी और हमारे भूतपूर्व हमारे मंत्री श्री लगरुक जी मौजूद थे। तो इन सब के कायदेत के अंदर कल नई दिल्ली में गृह मंत्री के अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक, जिसे मैं कहूँगा, एक मीटिंग हुआ। आप सब ने देखा होगा उस मीटिंग के अंदर जो बातचीत, जिन बातों को लेकर पीपल्स मूवमेंट के जो एपेक्स बॉडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं ठीक से खनपो रिम्पोची जी के अध्यक्षता में, जो हमारे दो मेंबर गए वहाँ पर और जिन बातों को लेकर गए वहाँ पर, जो बात हम सबको मालूम है कि लद्दाख को जब से केंद्र शासित एक यूटी प्रदेश बनाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, और पीछे एक महीने के अंदर जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो वातावरण है, जो एक जिसमें मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लद्दाख के अंदर लोगों का जो भावना है, लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो अपेक्षा है कि लद्दाख को भारत के संविधान के अंदर एक सुरक्षा मुहैया किया जाए, और जो सुरक्षा लोगों ने खुले तौर पर और सर्वसम्मति से पूरे लद्दाख की जनता ने, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो अन्य गैर सरकारी गैर राजनीतिक संगठन हो, सबों ने बढ़ चढ़कर, हमारे विद्यार्थी जो संघ है, सबों ने बढ़ चढ़कर इस पर बल दिया कि जो कमेटी का जो गठन हुआ लद्दाख के अंदर, जिसको हम एपेक्स बॉडी फॉर सिक्स शेड्यूल के नाम से जाना जाता है, कि लद्दाख को, यूटी लद्दाख को भारत के छठे शेड्यूल के अंदर लाना लद्दाख के हित में होगा, भारत के हित में होगा, वो हर लिहाज से, चाहे वो लद्दाख की रोज़गार की बचाने की बात हो, आमदनी को बचाने की बात हो, यहाँ की जो ज़मीन है उसको बचाने की बात हो, कारोबार बचाने की बात हो, वातावरण को बचाने की बात हो, और हर लिहाज से सिक्स शेड्यूल जब तक लद्दाख के लोगों को आप केंद्र सरकार इस पर बातचीत नहीं करेगी, इस पर कदम नहीं उठाएगा, इन बातों को लेकर जो हमारा जो समिति है जो दिल्ली गए रिम्पोछे के अध्यक्षता में, कल उनका बातचीत हुआ। हम इस बातचीत को हम सबसे पहले इस बातचीत का स्वागत करते हैं, और बातचीत के फलस्वरूप जो घोषणा हुआ आज, जो एक बाकायदा जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, उससे हम सबको मालूम पड़ा कि लद्दाख के हित को देखते हुए, क्योंकि लद्दाख एक सरहद पर एक बहुत एक महत्वपूर्ण, जिसको भारत का ताज माना जाता है, लद्दाख की लोगों को भावनाओं को समझकर केंद्र सरकार ने, माननीय होम मिनिस्टर ने, सबों ने इस बात पर निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में 15 दिनों के बाद, जब ये लद्दाख का जो छठा जो लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन जो है उसको ख़त्म होने के बाद, इस बात पर बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू होगा लद्दाख को छठे शेड्यूल में लाने के लिए। और इस जो कल जो निर्णय हुआ, कल जो घोषणा हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें तुरतान सिंह जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, उस बातचीत का जो एजेंडा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन बातों को आगे रखा गया कि सरकार इस बार पर राज़ी हो गया है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालने के लिए
राजी हो गया है, उस पर बातचीत का सिलसिला आप शुरू होगा। लेह और कारगिल का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको एम्पावर करने के लिए उस पर बातचीत चलेगी, और लद्दाख के लोगों को पूछकर, लेह और कारगिल दोनों के लोगों को पूछकर, जो यहाँ पर जो पीपल्स मूवमेंट फॉर सिक्स शेड्यूल फॉर लद्दाख का जो कमिटी है, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसके अंदर हमारे क्या कहते हैं हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरे कमेटी को पूछकर यहाँ पर बातचीत चलेगी आगे। तो इस जो ये जो घोषणा हुआ और ये जो ऐतिहासिक जो कल नई दिल्ली में जो विचार विमर्श हुआ गृह मंत्री के साथ, किरण रिजिजू के साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे वेटरन्स लीडरों के साथ, कांग्रेस पार्टी ले इसका खैर मकदम करता है, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें इससे पूरा सेटिस्फाइड है कि जो सिलसिला है भारत सरकार ने लोगों की बात को सुना और ये बात आप आगे चलेगी। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में कि भारत सरकार इसको और गंभीरता से लेकर लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालने की पूरी कोशिश करेंगे और छठे शेड्यूल लद्दाख को हमारी मांगे को मिलना चाहिए। तो सर अभी जो 15 दिन का अभी टाइम दिया है, आपको नहीं लगता है सर कि ये एक इलेक्शन करने के लिए एक मुद्दा जैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे सर? अगर देना होगा तो अनाउंस करना होता तो आज ही क्यों नहीं किया, 15 दिन के बाद आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ये आपने बात सही कहा कि देखिए कोई भी, मुझे जो लगता है सबसे ज़रूरी ये है, देखिए जो कल जो यहाँ पर जो एपेक्स कमेटी का भी यही बात रहा, सबसे ज़रूरी ये बात है कि केंद्र सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लद्दाख के लोगों की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। और सब शब्दों में ये कहा गया कि लद्दाख के लोगों ने कि हमें छठा शेड्यूल चाहिए लद्दाख को, लेकर के दोनों के काउंसिल को छठे शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए, लद्दाख को पूरा लद्दाख का यूटी जो है सिक्स शेड्यूल में डालना चाहिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका दरवाज़ा खुलना चाहिए, बातचीत का दरवाज़ा खुलना बहुत ज़रूरी था, जो आप खुल चुका है। जहाँ तक ये जो समय दिया गया 15 दिन का जो समय दिया गया, मुझे लगता है कि हर, क्योंकि ये एक केंद्र सरकार के लिए भी एक निर्णायक फैसला होगा अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल दिया जाता है, और लद्दाख के लोगों के हित को देखते हुए ये कदम भी उठाना ज़रूरी था कि बातचीत का, हमें उम्मीद था कि बातचीत का जो दरवाज़ा है वो खुलनी चाहिए। जो आज तक बंद था, जो आज खुला वो हमारे लिए खुशी की बात है। तो जहाँ तक ये समय दिया गया तो समय मेरे ख्याल में ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जो समय दिया गया तो उसके अंदर वो सोचेंगे केसेस में कमेटी में कौन कौन रखना चाहिए, कमेटी का हमें सुनने में कल कुछ मंत्रियां ले आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, जो एपेक्स कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए, और इन सब को नज़र में रखते हुए देखिए ये भी ज़रूरी था कि इस, हाँ, कारगिल के लोगों से भी अभी तक एपेक्स कमेटी को भी जाना था, कारगिल जाना था, बीच में उनको दिल्ली जाना पड़ा, कल उन्होंने भी सब शब्दों में ये कहा गया है कि कल का जो घोषणा हुआ नई दिल्ली से कि कारगिल के लोगों से भी बातचीत करने के लिए, जिसके लिए समय लगेगा, क्योंकि कारगिल यहाँ से आप कोविड का अपना एक मसला है। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल में जो 15 दिन का जो समय मांगा है, जिसके बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू होगा, मेरे ख्याल में उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको तो टाइम लगेगा। मार सबसे ज़रूरी बात यह था कि बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, केंद्र सरकार को यह समझ में आना चाहिए कि लद्दाख के लोगों के हित में वो बात करें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हुआ कि अभी तक जो उनको एहसास नहीं हो रहा था, और मैं पूरी तहे दिल से कांग्रेस पार्टी इस कमेटी की में सर्वसम्मति से इनको, मैं कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे लीडरों की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कमेटी को रिम्पोछे खनपुर जी के अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी दिल्ली गया, आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से, कहा थुस्तान जी ने, कहा लगरुक श्रीन लगरुक जी ने, बहुत जोर शोर से और बिल्कुल साफ शब्दों में केंद्र सरकार को, लद्दाख के लोगों की भावनाओं को वहाँ पर टेबल पर रखा, लोगों की मंशा क्या है उसको अच्छी तरह से बहुत पुख्ती तौर से उनको वहाँ रखने में वो कामयाब रहे। उसी का नतीजा है, उसी का फल है कि आज केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को बात को स्वीकार कर बातचीत का जो दरवाज़ा है उन्होंने खुलने की बात की। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो गई और बातचीत की बात भी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी आप क्या आने वाले 6th LHDC इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करेगी और करेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर रही है, कि आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? देखिए अभी तक हमारा जो पहले जो हमारा सिलसिला रहा, जब से ये छठा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन की जब घोषणा हुई, हमने तुरंत ही अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे हमने प्रत्यक्षों को ढूंढने की कोशिश की, हमने उनका सिलसिला शुरू किया। जैसे यहाँ पर बायकॉट का ऐलान हुआ, हमने तुरंत ही उस सिलसिले को हमने बंद कर दिया। हमने ये फैसला लिया
और जिन जो है जिन्हें भी ये फैसला, और सारी कमेटी ने हमारे ये फैसला किया, हमारे जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सब ने ये फैसला लिया कि जब तक बायकॉट रहेगा तब तक इस पर कोई हम हरकत नहीं करेंगे। अब जबकि मुझे सुनने में आया है कि अब मीडिया के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, शायद कल रिम्पोचे जी कल ले पहुँचेंगे, कल ले पहुँचेंगे, कासिरिंग ले कल ले पहुँचेंगे, यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और औपचारिक तौर पर यहाँ पर इलेक्शन को हटाने की शायद बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हटाने की बात की गई है तो इस चीज़ को माना गया है कि इलेक्शन बायकॉट हटाया जाए। तो ये बात उन्होंने कहा है कल औपचारिक तौर पर ले से ही ये इसका घोषणा होगा शायद। तो उस लिहाज से फिर अभी तक तो हमने उस पर रोक लगा रखा था, फिर कल से जब जैसे ही यहाँ पर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी तो हम इसके फिर आगे जब ने प्रत्यक्षियों को ढूंढने में और प्रत्यक्षियों को तैयार करने में, कैंडिडेट्स को तैयार करने में, नॉमिनेशन फाइल्स करने में, फिर उसको हम आगे उसका सिलसिला हम दोबारा से हम शुरू करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी 26 सीट पर हम लड़ेंगे और पूरा लड़ेंगे, सारी सीट पर हम लड़ेंगे। सर, अब सिक्स शेड्यूल का मुद्दा तो खत्म हो गया, आपका क्या मुद्दा रहेगा आपके इलेक्शन में? देखिए, जो भी मुद्दा आप कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहेगा कि लद्दाख एक सुरक्षित लद्दाख रहे, चाहे वो सिक्स शेड्यूल की बात हो, चाहे हर लिहाज से लद्दाख की बच्चों की भविष्य वो सुरक्षित रहो, इस पे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बल दिया है। आज मुझे खुशी की बात यह है कि जिस बेसिस पर छठा शेड्यूल जो हम मांगने जा रहे हैं और जिस बेसिस पर ये बातचीत हुआ है, हमें फ़ख्र है और हम सबको गर्व होना चाहिए कि खुशकिस्मती ये है कि हम सब एक शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अगर ये नहीं होता तो ये छठा शेड्यूल का बाद ही नहीं उठता। आज जो 97% 100 में से 97% जो लद्दाख के लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी हैं, ST का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हुए हैं, उसी बल पर काउंसिल मिला है और उसी बल पर हम सिक्स शेड्यूल की बात हम कर रहे थे और पूरा लद्दाख का खित्ता, लद्दाख के सारा आवाम इस पर बात कर रहा था। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए। और जो भी मुद्दा हो, चाहे वो जो भी घरेलू मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, उन सारे बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों की जो लोगों की अपेक्षाएँ क्या है, जो उन सारे बातों को हम लेके जाएंगे, आगे जाएंगे। तो छठा शेड्यूल तक मुद्दा है, उसको तो पूरा होना चाहिए, उस पर अभी बातचीत का जो दरवाज़ा खुला है और मुझे हम कांग्रेस पार्टी इस पर बल देंगे, इस पर हम जोर देंगे आने वाले दिनों में भी कि जो बातचीत का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, बातचीत पूरी तरह से जारी रहनी चाहिए और छठा शेड्यूल जो है लद्दाख को किसी भी सूरत में मिले तो ये हमारा एक हमारी मांग रहेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक छठा शेड्यूल नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि ये एपेक्स कमेटी भी शायद उसी बात पर जोर देंगे कि बातचीत शुरू हो और ये मूवमेंट थमे नहीं। जहाँ तक इलेक्शन में जब उतरेंगे तो सारे हमारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, वो स्थानीय जो भी मुद्दा हो, लोगों का हित का जो भी बात हो, जो भी कमी पेशी रहा हो, पीछे जो सरकार ने किया हो नहीं किया हो, पीछे जो काउंसिल को बीजेपी ने चलाया, क्या कमी पेशी रहा, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, लोगों की हित की बात हुई कि नहीं, लोगों का जो एक तरह से तरक्की होनी चाहिए वो हुआ कि नहीं, उन सब बल देंगे, उन सब जो भी स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चलेंगे आगे। बट आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 5th LHDC काउंसिल चला है, ऑपोजिशन को जिस तरह से स्ट्रांग होना था उतना स्ट्रांग नहीं रह पाए हैं ऑपोजिशन? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमने हर मुद्दे को, जो भी जनहित का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो जो काउंसिल को करना चाहिए था जो नाकाम रहा, मुझे लगता है उसको हमने हर लिहाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हमारे जितने भी काउंसिलर्स हैं, जो हमारे 6 काउंसिलर्स हैं, उन्होंने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आपने पीछे देखा ही होगा जो जब यहाँ पर जनरल काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था जिसमें सर्वसम्मति से एक मुद्दे पर बात करना था, 6th शेड्यूल पर बात करना था, वो बात नहीं कर पाए, उन्होंने 3-3 मुद्दे को रखा, जो भी अपने हमें एक हैरानी वाली बात है। हमारे काउंसिलर्स ने देखा हुआ, आप लोगों ने पूरा बोर्ड्स लेकर वर्कआउट किया वहाँ से 6th शेड्यूल की डिमांड को लेकर, कि ये कहा कि काउंसिल को, हिल काउंसिल को एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए और वो था 6th शेड्यूल। उन्होंने उस पर साफ तौर पे अपना विचार नहीं रखा सामने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के जो काउंसिलर्स ने कोई कमी पेशी रखा हो मुद्दों को उठाने में, उसके ऊपर चिल्लाने में।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी पेशी रही। हमारे काउंसिलर ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी एज एन अपोजिशन काउंसिलर निभाया है इस काउंसिल के अंदर। सर, ये तो सिर्फ सिक्स शेड्यूल रिसेंट की है, मतलब 5 साल काउंसिल रहा है और 5 साल में अपोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग रहा है, सिर्फ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रह गए आप लोग। नहीं, देखिए ना, देखिए चाहे देखो, आपका हर जो भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो हमारे युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नौकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अभी तक पूरा नहीं कर पाया, उसका रूल्स ऑफ फंक्शनिंग अभी तक पूरा नहीं कर पाया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अभी तक पूरा नहीं कर पाया यूटी प्रशासन, इन सारे मुद्दों पर काउंसिलर्स ने हमेशा जब जब मौका मिला उन्होंने इस बात को उठाया है और कई बार इन मुद्दों को लेकर माननीय उपराज्यपाल के पास जाकर उन्होंने इस बात को उठाया, मुद्दों को उठाया, हर लिहाज से जब जब उनको मौका मिला हमने मुद्दों को जोर शोर से उठाया उसको। ये सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ और आने वाले काउंसिल इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कितनी चैलेंजिंग रहेगा ये 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जीतने के लिए? देखिए, चुनौती कोई भी चुनौती हो चुनौती है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो छठा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और चुनौती को समझकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरा एक साफ छवि लेकर, साफ विचार लेकर, जिसमें कोई ड्रामा ना हो, जिसमें कोई बहकाने वाली बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की मन को बहलाने की बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात ना हो, साफ विचार लेकर, मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे हो या आपके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो, उन सब को लेकर हम पूरी जोर शोर से इस इलेक्शंस में हम हिस्सा लेंगे। और मेरी पूरी जनता से अपील है आपके माध्यम से कि वो सारे इस जो आने वाला जो इलेक्शन है जो 16 अक्टूबर को, बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा ले और लद्दाख को एक नए रास्ते पे एक जो परिवर्तन है, परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिसको हम चाहेंगे चेंज इज नीडेड, एक बदलाव की ज़रूरत है, काउंसिल में बदलाव की ज़रूरत है। लोग समझ मेखल में लोग समझेंगे इस बात को कि काउंसिल में एक बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए लोग बढ़ चलकर हिस्सा लेंगे और मेरी प्रार्थना है सबसे कि इस काउंसिल में जोर शोर से अपने वोट को डालें और इसमें हिस्सा लें। सर, बीते दिनों में हम ऐसा सुनने को आ रहा है ये सीनियर लीडर, ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, ऐसा कम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कई बार पहले कहा कि पीछे जो आप देखिए, ये जो संक्रमण की बात है, कोविड की बात है, हिल काउंसिल बीजेपी के हाथ में है, पूरा प्रशासन जो बीजेपी के हाथ में है, इस संक्रमण को रोकने में वो तो नाकाम रहा हिल काउंसिल, इसके बारे में तो वो बात ही नहीं करते हैं। उनका अभी तक पूरा यही सिलसिला रहा, यही कोशिश रहा कि भाई भरो, पार्टी में लाओ, भरो, जहाँ से मिलता भरो, जहाँ लोग मिलता वहाँ पर उनको मफलर चढ़ाओ। हमने ये सिलसिला नहीं किया, हमने उन लोगों को, हमने कांग्रेस का दरवाज़ा पूरा खुला है, जो लोग लद्दाख के हित में बात करते हैं, जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित हैं, जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित है, भविष्य को बचाने की बात करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो तो या तो अपने हित की बात करते हैं, लद्दाख के हित को पीछे रखकर अपने हित की परवाह करते हैं, अपने हित की चिंता करते हैं, मुझे लगता है वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।